राज्य सरकार की विशेष पहल पर आयोजित हो रहे महंगाई राहत कैंप प्रशासन गांव के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज आज जिले भर में उत्साह के साथ हुआ। जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित कैंपों का आमजन ने भरपूर लाभ उठाया। इस दौरान महंगाई से राहत देने वाली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हस्ताक्षरित 10 योजनाओं के गारंटी कार्ड लाभार्थियों को वितरित किए गए। इसी सिलसिले में तारानगर के वार्ड नंबर 1 स्थित अम्बेडकर भवन में आयोजित कैंप का विधायक नरेंद्र बुडानिया एवं जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बुडानिया ने कहा कि सरकार वंचित और गरीब तबके के कल्याण व उत्थान के लिए बहुत संवेदनशील है। उन्होंने लाभार्थियों और उपस्थित जनों से कहा कि कैंप के लिए भरपूर मेहनत करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति को महंगाई राहत का आशीर्वाद मिल सके। सरकार बिजली का बिल जीरो कर अन्नपूर्णा योजना में घर घर राशन पहुंचाकर किसानों को बिजली मुफ्त देकर व पशुओं का बीमा कर लोगों को संबल प्रदान कर रही है। वहीं चूरू ब्लॉक के बीनासर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी आज 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीआर मीणा, एसीईओ हरिराम चौहान व उप सरपंच धनाराम ने कैंप का शुभारंभ किया तथा लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड बांटे। कैंप के दौरान ग्रामीणों में भरपूर उत्साह नजर आया। इस मौके पर सीईओ पीआर मीणा ने विभिन्न काउंटरों पर व्यवस्था का जायजा लिया और किए गए इंतजामों पर संतोष जाहिर करते हुए ग्रामीणों से कहा कि वे जागरूक होकर कैंप का लाभ उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचे। आज राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग कैंपों की शुरुआत हुई है और लोगों में भारी उत्साह है और इसमें 10 लोक कल्याणकारी स्कीम है जिनका सीधा राज्य सरकार द्वारा गारंटी प्रदान की जा रही है और उनके लाभों के बारे में आम आदमी को व्यक्तिगत करवाया जा रहा है कि आपके अधिकार ये हैं और सरकार इनकी गारंटी आपको देती है। तो मैं जनता से और आम आदमी से और सभी ग्रामवासियों से आह्वान करता हूँ ताकि इनका भरपूर फायदा उठाएं, आपके घर पे आपकी सरकार आई। राजनदेसर में भी आज महंगाई राहत कैंपों का आगाज किया गया। कैंप का शुभारम्भ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूसाराम गोदारा ने किया। इन शिविरों की जानकारी प्रदान करते हुए गोदारा ने कहा कि कैंप का उद्देश्य आम जन को उनके अधिकारों, योजनाओं और उनकी पात्रता की संपूर्ण जानकारी देकर जागरूक करने के साथ उन्हें सशक्त बनाना है। राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। कैंपों में योजनाओं का तुरंत लाभ पहुंचाया जाएगा। इस दौरान पालिका अध्यक्ष गंगा देवी, अधिशासी अधिकारी मोहम्मद असलम खान, मंडल अध्यक्ष मोहम्मद जब्बार खोकर आदि उपस्थित रहे। वहीं रतनगढ़ नगर पालिका प्रशासन द्वारा टाउन हॉल में आयोजित शिविर का शुभारंभ आज पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने किया। इस दौरान कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने शिविर का अवलोकन किया तथा उपस्थित लोगों से रूबरू होते हुए कहा कि शिविर का उद्देश्य आम जन को उनके अधिकारों व योजनाओं तथा उनकी पात्रता की संपूर्ण जानकारी देकर जागरूक करने के साथ साथ उन्हें सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा संचालित 10 जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए महंगाई राहत शिविरों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। पालिका अध्यक्ष सारस्वत ने कहा कि शिविर में प्रत्येक जरूरतमंदों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर ईओ अभय कुमार मीणा, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरविंद चाकलान, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत आदि उपस्थित रहे। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने भी आज दादाबाड़ी में फीता काटकर राज्य सरकार के महंगाई राहत कैंप तथा प्रशासन शहरों के संग शिविर का उद्घाटन किया। सभापति ने कहा कि महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र और वंचित वर्ग के व्यक्ति को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार अंतिम छोर के व्यक्ति तक महंगाई राहत कैंप के माध्यम से राहत पहुँचाने का कार्य कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश के गरीब और वंचित वर्ग के प्रति अपनी संवेदनशीलता के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर, वृद्ध एवं विशेष योग्य जन को प्रतिमाह 1000 रुपए पेंशन, फ्री राशन किट आदि से लाभान्वित करने का काम राज्य सरकार की जनता की उद्धार एवं जन कल्याण की प्रतिबद्धता है। कैंप में AN पूर्णिमा यादव, AO चेनाराम, अधिशासी अधिकारी सीताराम मीणा आदि उपस्थित रहे। आज 24 अप्रैल को
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया गया है। चूरू शहर के अंदर भी महंगाई राहत कैंप का आज जो फीता काट का शुभारंभ किया है। लोगों को हाथों हाथ इन कैंपों के अंदर जो लाभ है वो दिलवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएँ लोगों के लिए लाई गई है, उन योजनाओं से लोगों में खासा उत्साह है और ये देखने को मिला है कि करीबन अगर हम यहाँ पर देखें अभी तक का जो समय है तो हर जो दूसरा व्यक्ति है वो इन योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं ले रहा है और सभी के अंदर आज एक खुशी की लहर है। अभी मैंने खुद मेरे हाथों से सभी को जो लाभार्थी कार्ड है, जो गारंटी कार्ड है योजनाओं का, वो दिया है और महिलाएं हैं खास करके उनके अंदर जो 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, 1000 रुपये की पेंशन मिल रही है, फ्री राशन जो मिल रहा है, साथ ही केंद्र काम धेनु में 40,000 रुपये का बीमा, चिरंजीवी का 25 लाख का बीमा और दुर्घटना बीमा जो 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, उन सभी को और फ्री जो बिजली है, 100 यूनिट जो बिजली फ्री मिल रही है, उन सबको लेकर जो महिलाएं हैं काफ़ी उत्साहित और खुशी नजर आ रही है। सभी लोग मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का और कांग्रेस सरकार का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और ये कैंप जो है इसी तरीके से विधिवत रूप से नगर परिषद के द्वारा ऐसे ही लगवाए जाएंगे। लोगों से मेरी एक अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें, ये कैंप एक दिन का नहीं है, करीब 2.5-3 महीने ये कैंप चलेगा और जब तक हर एक व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचाता तब तक मुख्यमंत्री जी ये जो कैंप है वो लगाए रखेंगे। तो मेरी सभी से अपील है कि धैर्य बनाकर एक दूसरे की मदद करें और इन कैंपों का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लें। तो पोता बिना माँ को नहीं, एक बेटे वो 10 रुपये है, एक है छोटो जब वो कोई मजदूरी करे। थाने के लाभ मिले हैं? मान तो बिजली मिली है, सिलेंडर मिले, राशन मिली है। सिलेंडर कितना में मिले वो बताओ? 500। पहला कितना मान तो? पहले 1100 मान तो, अब 500 सिलेंडर। और राशन में कितने मिले थाने? रतनगढ़ पंचायत समिति प्रशासन के तत्वावधान में भी आज ग्राम पंचायत कुसुमदेसर में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष प्रणलाल पुजारी, पीसीसी सदस्य इंद्राज खीचड़ व एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा ने किया। शिविर में राज्य सरकार की 10 नई योजनाओं के बारे में उपस्थित लोगों की जानकारी दी गई तथा लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया। पुजारी ने कहा कि महंगाई राहत शिविरों के तहत निःशुल्क प्रतिमाह 100 यूनिट घरेलू बिजली, उज्ज्वला योजना में 500 रुपये का गैस सिलेंडर, किसानों को निःशुल्क 2000 यूनिट बिजली, पशुधन के लिए 40,000 रुपये का निःशुल्क बीमा सहित कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस दौरान तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से संतोष कुमार इंदौरिया, सरपंच प्रतिनिधि पवन सिंह राठौर, तहसीलदार बजरंग लाल आदि उपस्थित रहे। सरदार शहर में भी आज राज्य सरकार ने महंगाई राहत कैंप का आयोजन ग्राम पंचायत मालकसर सवाई बड़ी के सरकारी स्कूलों में तथा शहर में वार्ड नंबर 25, 26 व 27 के कम्मा गेस्ट हाउस में आयोजित किए गए। तीनों कैंपों का शुभारंभ विधायक पंडित अनिल शर्मा ने फीता काटकर किया। विधायक शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ती बेलगाम महंगाई से राहत हेतु यह राहत कैंप आयोजित करने का फैसला किया है। यह कैंप इस बात की गारंटी है कि इन योजनाओं में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को राज्य सरकार यह लाभ जरूर दिलाएगी। इस अवसर पर पूर्व प्रधान रामकुमार मेघवाल, उपाध्यक्ष नगर पालिका अब्दुल रशीद चायल, ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र राज भी आदि उपस्थित रहे। चूरू जिला स्टेडियम में कॉमनवेल्थ पदक विजेता व अर्जुन अवार्डी पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पुनिया के जन्मदिन का कार्यक्रम आज भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रामरतन सिहा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर IFS सविता दहिया, जिला खेल अधिकारी प्रकाश राम गोदारा, डिस्कस थ्रो की नेशनल खिलाड़ी प्रियंका सिहाग आदि ने केक काटकर पुनिया को जन्मदिन की बधाइयां प्रेषित की व वृक्षारोपण किया। तत्पश्चात राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच चौगान स्टेडियम जयपुर व सादुलपुर कबड्डी अकेडमी के मध्य खेला गया, जिसमें जयपुर की टीम विजेता रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दहिया ने महिला खिलाड़ियों को जीवन में खेल के माध्यम से करियर बनाने की सलाह दी। वहीं गोदारा ने कहा कि पुनिया हर भारतवासी के लिए गौरव है, जिन्होंने चूरू जिले का नाम देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में रोशन किया है। आज 24 अप्रैल को पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी कृष्णा जी का जन्मदिन था। सारे चूरू जिले के स्पोर्ट्समैन लोगों ने बड़ी धूमधाम से इसको मनाया। चूरू जिले के सभी खेल संघों ने इसका बहुत सहयोग दिया और खास करके बहुत आभार है रामरतन सिंह का, जिन्होंने इस आयोजन के लिए राशि का वहन किया गया था। और हम ये भविष्य में उम्मीद करते हैं कि कृष्णा जी की आयु लंबी हो
और हमारे खेलों को, हमारे स्पोर्ट्समैन को एक नया आयाम मिलता रहे। हमें खुशी इस बात की है कि उनके जन्मदिन के ऊपर हमें कार्यक्रम करवाने का, ये बेटियों को खेल प्रतियोगिता करवाने का मौका मिला है। भविष्य में भी हम ऐसा आयोजन करवाते रहेंगे और ईश्वर से कामना करते हैं कि उन्हें लंबे। राजस्थान के क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा माननीय कृष्णा पूनिया, जो कॉमनवेल्थ पदक विजेता ओलंपियन है, अर्जुन अवार्डी है, पद्मश्री से विभूषित हैं, उनके जन्मदिन दिवस पर जिला स्टेडियम चूरू में राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता, डिस्कस प्रतियोगिता और वृक्षारोपण कार्यक्रम रखे गए हैं, जो शानदार है। एक महिला जगत को खेल में मजबूत करने का संदेश देने के लिए हमने ये काम किया है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले रतनगढ़ तहसील के दर्जनों ग्राम सेवक अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से आंदोलनरत है। संघ के तहसील अध्यक्ष मंगाराम बामणिया के नेतृत्व में आज अधिकारियों ने पंचायत समिति में धरना देकर अपना विरोध जताया। इस दौरान बामणिया ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की 5वें व 6वें वेतन आयोग की वेतन विसंगतियों को दूर करने, संगठन के साथ पूर्व में हुए समझौतों को लागू करने, गत 3 वर्षों से ग्राम विकास अधिकारी से सहायक विकास अधिकारी के पद भरने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर अधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ पिछले 4 दिनों से आंदोलन पर है और हमारी मांगों के संबंध में पिछले 2 सालों में 3 बार समझौता भी माननीय मंत्री महोदय की मध्यस्थता में हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी आदेश प्रसारित नहीं किए गए हैं। हमारी मुख्य मांग जो है वो है कि ग्रेड पे 3600 किया जाए और 3 सालों की जो DPC पेंडिंग है उन्हें जल्द से जल्द पूरी किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट घोषणा में SCP के स्थान पर चयनित वेतनमान की जो घोषणा की है उसके आदेश भी जल्द से जल्द प्रसारित किया जाए। इसके अलावा विभिन्न ऑनलाइन कार्य आजकल ज़्यादा हो गए जिससे पंचायतों में संसाधनों की भी कमी है, तो संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाए और इस संबंध में प्रशिक्षण भी दिलवाया जाए, ये हमारी मांग है। इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी से सहायक विकास अधिकारी के पद पर जो DPC है वो भी जल्द पूर्ण करवाई जाए, ये हमारी मुख्य मांगे है। और जब तक सरकार इन मांगों पर आदेश जारी नहीं करती है हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे ही ब्लॉक स्तर पर जारी रहेगा और कैंपों का लगातार बहिष्कार किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर आज भारतीय किसान संघ द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संघ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 16 मई को जयपुर कूच करेंगे, जिसमें कृषि आंदोलन को GST मुक्त करने, मध्य प्रदेश तेलंगाना सरकार की तर्ज पर प्रधानमंत्री किसान निधि की तरह मुख्यमंत्री सम्मान निधि की राशि किसानों को दी जाने, कर्ज माफी के वादे के चलते डिफाल्टर हुए किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किए जाने सहित विभिन्न मुख्य मांगे रहेंगी। इस मौके पर संभाग मंत्री शंकर महर्षि, जिला अध्यक्ष मुकेश रामपुरा, जिला मंत्री राम कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल ज्योति में आज दानदाता द्वारा नवनिर्मित जल मंदिर का लोकार्पण किया गया। दुर्गा देवी पत्नी स्वर्गीय हजारीमल परिहार की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र अध्यापक उमेश कथक द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति पर विद्यार्थियों के लिए 70,000 रुपए की लागत से जल मंदिर का निर्माण करवाया गया है। वहीं समाज सेवी सीताराम द्वारा अपने पुत्र गौरव शर्मा की जन्मदिन पर स्कूल प्रशासन को लोहे की अलमारी भेंट की गई है। इस मौके पर शर्मा ने कहा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चों के सरकारी स्कूलों में इस प्रकार की सेवा करना पुण्य का काम है। इस अवसर पर प्राचार्य ओंकारमल शर्मा, चतुर्भुज सैनी, राधा कृष्ण पीपलवा आदि उपस्थित रहे। राजन देसर कृषि राजन देसर गौशाला में नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी छापर की ओर से आज गोरैया पक्षी के लिए माटी के बने घोंसले लगाए गए। गोरैया पक्षी को अधिक से अधिक बचाने के लिए एवं सर्दी गर्मी बारिश में उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए छापर की संस्था ने निजी संस्थानों के द्वारा यह घोंसले बनाए हैं। इसी कड़ी में श्री गणेश मंदिर व पुलिस थाना परिसर सहित कई जगहों पर आज संस्था द्वारा घोंसले लगाए गए। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष कन्हैयालाल स्वामी, शंकर सारस्वत, हिमांशु दाधीच आदि उपस्थित रहे। नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ताल छापर से इसके अंतर्गत ये जो घोंसले है, मिट्टी के घोंसले जो विलुप्त होती गोरैया के लिए, ये मिट्टी के घोंसले स्पेशल बनाए गए हैं। इसमें क्या है कि ये
थोड़ी हाइट पे 8-10 फीट पे इनको लटका दिया जाता है बरामदे वगैरह में, वहाँ पे ये इनका पैर इनको देखता है और इनको पास करके इसमें अपना घोंसला बनाता है, घरौंदा बनाते हैं। विगत वर्षों में जो गोरैया चिड़िया की संख्या काफ़ी कम हुई है, क्योंकि अभी जो मकान बन रहे हैं वो इस हिसाब से बन रहे हैं कि उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि ये चिड़िया मनुष्य के आसपास अपना घोंसला बनाती है, तो इनके प्रजाति पर संकट उत्पन्न हो गया था। इस संकट को देखते हुए हमारी संस्था ने ये पहल की और लगभग 5,000 घोंसले अभी तक संस्था ने विभिन्न विभिन्न स्थानों पर पूरे देश में लगाए हैं। आगे संस्था की ये योजना है कि लगभग 2,500 और घोंसले इन गर्मियों के सीजन में ये मंगवा के लगाएगी, ये ऐसा इस संस्था का प्रकल्प है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रशासन गांव के संघ एवं महंगाई राहत कैंप का आज रतनगढ़ सरपंच फोरम संघ ने विरोध जताते हुए बहिष्कार किया। तहसील के दर्जनों सरपंच आज पंचायत समिति परिसर में एकत्रित हुए तथा नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। संघ के विक्रमपाल थालोड ने बताया कि सरपंच संघ पूरे प्रदेश में 8 सूत्री मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान सरपंच मोहनलाल पुनिया, भानीराम मेघवाल, संपत नायक आदि उपस्थित रहे। सरकार के द्वारा कैंपों का जो आयोजन किया जा रहा है उसके लिए बहिष्कार करने के लिए सरपंच संघ के द्वारा निर्णय हुआ था और आज शाम तक सरकार के द्वारा कोई न कोई निर्णय होना है। अगर उसमें किसी प्रकार की विरोधाभास पाया जाता है तो सरपंच संघ के द्वारा आगे आने वाले कैंपों का बहिष्कार किया जाएगा, जिसमें खासतौर से 15वां और 6ठा वित्त आयोग की जो राशियाँ हैं, बजट है, वो प्रॉपर ढंग से इसमें ग्राम पंचायतों को आवंटित नहीं हो रहा है जो आवंटित होना चाहिए। दूसरा, नरेगा का जो पेमेंट है या उसकी जो ऑनलाइन हाजिरी है उसमें भी बहुत सारी जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं को ठीक किया जाए। खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए बीच में पोर्टल खोला गया था, लेकिन अभी भी जिन लोगों को, जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जाना चाहिए था, अभी भी उनके बारे में कोई निर्णय हुआ नहीं है, उनका उसमें राशन कार्ड में जोड़ा नहीं गया है। तो इस प्रकार की और भी बहुत सारी मांगे हैं जिनको पूरा करने के लिए सरकार के समक्ष रखा गया है और सरकार अगर जल्द ही इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो फिर बाद में कैंपों का बहिष्कार का निर्णय लिया जाएगा। अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने एवं सक्रिय अपराधियों की धरपकड़ हेतु पुलिस द्वारा की जा रही नाकाबंदी के दौरान सालासर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रविवार रात्रि को पुलिस ने 21 वर्षीय युवक के पास से हथियारों का जखीरा बरामद कर उसे गिरफ्तार किया है। एसपी कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सक्रिय अपराधियों की धरपकड़ हेतु संचालित अभियान के तहत सालासर थाना अधिकारी संदीप कुमार के नेतृत्व में नाकाबंदी के दौरान एक युवक ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की तो पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ा। बैग की तलाशी के दौरान उसमें 10 अवैध पिस्टल एवं 20 मैगजीन बरामद की गयी। गांव घांगू में गत 16 अप्रैल को हुए हमले के बाद हुई एक युवक की मृत्यु के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मृतक के परिजनों एवं ग्रामीणों ने अपना आक्रोश जताया और पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा से मिलकर शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि 16 अप्रैल को मुलजिमानों ने 3 युवकों पर हथियारों से हमला किया जिसमें फरमान की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। प्रकरण में अभी तक सिर्फ एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, अन्य मुलजिमान विदेश भागने की फिराक में हैं। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता महावीर नेहरा, कांग्रेस नेता आसिफ खान, एडवोकेट इकबाल खान आदि मौजूद रहे। पिछली 16 तारीख को गांगो गांव के 3 व्यक्ति यूसुफ खान, आरिफ खान और फरमान खान शाम को करीब 5:30 बजे बस से नमाज अदा करके बाहर निकले थे। उसी दौरान पीछे से एक राय होके घात लगा के बैठे थे। 5 व्यक्तियों ने देखा एक लाठी सरी और पाइप भी से हमला किया जिसमें एक फरमान की मृत्यु होगी, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा अभी तक मात्र 1 गिरफ्तारी हुई है, अन्य गिरफ्तारी नहीं होने के कारण आज ग्रामीणों ने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है और तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है।